नमस्कार, मेरा नाम है प्राची चतुर्वेदी रंधावा और आज आप सबको नवरात्रि की बधाइयाँ देते हुए आपके लिए एक कहानी लाई हूँ स्टीव जॉब्स की। और स्टीव जॉब्स का नाम हम सब जानते हैं, जब भी स्टीव जॉब्स की बात होती है एप्पल सबसे पहले दिमाग में आता है। अभी कुछ दिन पहले स्टीव जॉब्स की डेथ एनिवर्सरी थी और उनकी कई जो बातें हैं, किताबें हैं, उनका काम है, उसकी सराहना हो रही थी, उसकी चर्चा हो रही थी और तब मुझे एक कहानी याद आई। कई वर्ष पहले वो गए थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक स्पीच दी थी उन्होंने उनके 114वें ग्रेजुएशन सेरेमनी पर और बहुत इंटरेस्टिंग ये स्पीच है, बहुत कुछ सिखाती है ये जीवन के बारे में। इसका जो थीम था वो था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो इसके एंड में स्टीव जॉब्स ने सारे स्टूडेंट्स को कहा कि मैं पूरी लाइफ मैंने एक चीज़ जो फॉलो की वो थी स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप लाइफ में कई ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो बहुत विद्वान हैं या बहुत ज्ञान बखारते हैं, तो स्टीव जॉब्स कहते हैं कि हमेशा अपने अंदर एक भूख रखो, कुछ नया सीखने की ललक रखो और हमेशा अपने अंदर ये सोच के चलो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ, आई एम अ लर्नर। तो स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश, जब आप ये करोगे तो आप लाइफ में कुछ नया सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। अब इस पूरी स्पीच को उन्होंने तीन हिस्सों में बांटा था। जो पहला हिस्सा था वो था इस बारे में कि हाउ डू यू कनेक्ट डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स, कि आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनके बारे में जब आप उस समय सोचो तो शायद नहीं पता पड़ता कि ये क्यों हो रही हैं, कभी कभी बुरी भी लगती हैं, लेकिन जब आप अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखोगे तो आप ये जानोगे कि हर उस परिस्थिति का, चाहे वो आपके अनुकूल हो या विपरीत रही हो, उसका आपके जीवन पर एक प्रभाव है, वो छूटता है। और ये सारी ऐसी डॉट्स हैं जो कि अंत में जाके मिलती हैं और आपको वो बनाती हैं जो आप हो उस समय। स्टीव जॉब्स जो है एप्पल और पिक्सर जैसी कंपनियों के फाउंडर थे और जीवन देखने का एक बहुत अलग नज़रिया था इनका। तो सुनते हैं उनकी पहली कहानी कनेक्ट द डॉट्स। स्टीव जॉब्स जो थे ये कॉलेज ड्रॉप आउट थे और कहते हैं कि इसका किस्सा मेरा पैदा होने से पहले शुरू हो गया था। तो वो किस्सा यूँ शुरू हुआ था कि इनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी वो एक कॉलेज ग्रेजुएट थी, अनमेड कॉलेज ग्रेजुएट, और उनको अंदाज़ा था परिस्थितियों का कि वो नहीं बच्चे को पाल पाएंगी, बड़ा कर पाएंगी। तो उनके पैदा होने से पहले ही उन्होंने अडॉप्शन एजेंसीज में अपना नाम लिखवा दिया था कि मेरा बच्चा होने वाला है, उसे मैं अडॉप्ट करवाना चाहती हूँ। उनके पास एक शर्त थी कि ऐसा परिवार उनका बच्चा अडॉप्ट करे जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड हो, और उनके बच्चे को भी वही शिक्षा मिले, एक कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का मौका मिले। अब ये सोचिए, 70 और 60 के दशक में ये बहुत बड़ी बात होती थी US में भी, और कॉलेज की जो फीस होती थी वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी होती है, पहले भी थी। तो आसान नहीं होता हर माँ बाप के लिए अपने बच्चों को कॉलेज भेज पाना। सबसे पहले एक लॉयर कपल था, एक लॉयर थे, उनकी बीवी थे जिन्होंने अपना नाम आगे रखा था, लेकिन हुआ ये कि लास्ट मिनट पर उन्होंने रियलाइज़ किया या उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें एक बेटी चाहिए थी और बेटा नहीं, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम, जब स्टीव जॉब्स पैदा हो गए उसके बाद उन्होंने एज अ डॉक्टर्स अपना नाम विड्रॉ कर लिया। अब जो वेट लिस्ट पर अगला कपल था वो था एक हस्बैंड और वाइफ, जो कि जो वाइफ है वो कॉलेज ग्रेजुएशन भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ था और जो पति देव थे उनका तो हाई स्कूल भी पूरा नहीं हुआ था। तो अब ये जो इनकी माता जी थी, इन्होंने तो हाथ पैर इनके फूलने लगे, इन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे परिवार में तो नहीं दे सकती अपना बच्चा। लेकिन उनको बहुत समझाया, बात करी, उनमें एक ललक थी कि उन्हें अपना बेटा चाहिए, तो उन्होंने वादा किया कि हम इस बच्चे को कॉलेज एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, हमसे कॉलेज भेजेंगे। अब दिन रात मेहनत मशक्कत शुरू हुई, 17 साल बीते और माँ बाप ने पाई पाई जोड़ कर अपने बेटे का, स्टीव का एडमिशन कॉलेज में करवाया, रीड्स कॉलेज में गए। जब यहाँ गए तो पहले 6 महीने में इन्होंने एक चीज़ रियलाइज करी कि एक तो ये कि इनके जो माँ बाप थे ये नॉर्मल नौकरीशुदा लोग थे और अपना पेट काट काट के पैसे जोड़ रहे थे, और उस पैसे की जो वर्थ थी, उसकी जो वैल्यू थी, वो उन्हें पढ़ाई में नहीं मिल रही थी। सब जानते हैं स्टीव जॉब्स ने फाइनली कॉलेज ड्रॉप आउट किया था,
तो क्योंकि वो कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया, कुछ कंपलसरी कोर्सेज होते हैं जिससे वो ड्रॉप आउट कर गए, उसके बावजूद क्योंकि वो उस कॉलेज में थे उन्हें अलाउड था कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज करना, जो साइड में कुछ कोर्सेज चल रहे होते थे कि आप वो कर सकते हैं। अब बहुत अच्छा टाइम नहीं था लाइफ का, आप कॉलेज में हैं पर आपके पास रहने को छत नहीं है, आपके पास कोई डॉर्म नहीं है क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड यू नो कोर्स नहीं कर रहे हो, तो अपने दोस्तों के रूम्स में फर्श पर सोते थे जाके, और जो कोका कोला की बोतलें होती थी ना खाली कांच की बोतलें, वो इकट्ठा करके कबाड़ी वाले को बेच के 5-5 सेंट जोड़ के रोज का खाना खाते थे। और संडे को स्पेशल पूरा भरपूर मील खाने के लिए 7 मील पैदल चल के जाते थे हरे कृष्णा मंदिर और वहाँ जाके कहते कि बहुत स्वादिष्ट मुझे खाना मिलता था। और हरे कृष्णा टेम्पल और जो सनातन धर्म है उसका एक बहुत इन पे प्रभाव भी पड़ा आगे जाकर, उसकी कहानी कभी और आपको सुनाऊंगी। तो इस पूरी मेहनत मशक्कत करते करते, क्योंकि कॉलेज में हैं अभी भी चीज़ें कर रहे हैं, तो कैलीग्राफी का कोर्स होता था ऑप्शनल कोर्स, वो परस्यू किया इन्होंने साथ में, उसमें इन्हें इंटरेस्ट आया। अब साइंस में आप कई चीज़ें इवेल्यूएट करते हो, लेकिन कैलीग्राफी में जो आर्ट फॉर्म है, जो उसका हिस्टोरिक रेलेवेंस है कि ये फॉन्ट्स कैसे आती हैं, कैसे बनती हैं, सैन और सैन सेरिफ में क्या फ़र्क है, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, उनको ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो ये परस्यू किया, इसे कंप्लीट किया, और 20 साल की उम्र होते होते इन्होंने अपना जो माँ बाप का गराज है वहाँ से एप्पल कंपनी लॉन्च कर दी थी। अब ये जब उनका पहला कंप्यूटर आया मैक, तो आप ये सोचो विंडोज़ का पहले दो तरीके के होते थे, एक होता पर्सनल कंप्यूटर और एक मैक, अभी भी हम देखते हैं एप्पल और बेसिकली विंडोज़ और एप्पल जो हम बोलते हैं, तो उसमें एक ब्लैक डब्बा सफ़ेद नॉर्मल एक ही टेक्स्ट आता था, मतलब एक ही तरीके का लैपटॉप आपका डेस्कटॉप होगा उसमें एक ही फॉन्ट होगा। लेकिन जब मैक आया, मैक एक बहुत खूबसूरत कंप्यूटर था, मैक बेहद खूबसूरत था, उसमें फॉन्ट्स थी, उसमें टाइपोग्राफी थी, और ये वो चीज़ें जो कि बाद में विंडोज़ ने भी कॉपी करी, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई फॉन्ट्स की, जो फॉन्ट आप और मैं और हम आम जीवन में अब इस्तेमाल करते हैं, इसको लाए थे स्टीव जॉब्स। और वो कहते हैं कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स, और जब उन्होंने अब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो एक आम इंसान अपने पर्सनल कंप्यूटर पे या मैक पे फॉन्ट्स यूज़ करता है, जो हमारे जीवन का इतना ऐसा हिस्सा बन चुके हैं कि हम शायद उस पर ध्यान भी नहीं देते, वो चीज़ उनकी उस कैलीग्राफी कोर्स से शुरू हुई थी। और कैसे वो कोर्स, जो कि एक ऑप्शनल कोर्स था, शायद एकदम बेकार कोर्स माना जाता था, उनके जीवन में उसका कितना महत्व था। तो यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स, यानी आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हों, जो भी चीज़ें आएँ, कभी ये मत सोचिए कि इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो यही वो छोटी 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 डॉट्स होंगी आपके जीवन की, जो जुड़ के आपको वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ आप आ रहे हैं या जहाँ आप पहुँच रहे हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है, कनेक्ट द डॉट्स। दूसरी कहानी इन्होंने बताई थी लव एंड लाइफ के बारे में, तो कहते हैं कि 20 साल के हुए, अपने पेरेंट्स के गैराज में इन्होंने कंपनी शुरू करी एप्पल की, और बहुत सक्सेसफुल हो गए। 30 साल के होते होते इनकी जो कंपनी थी उसमें 4,000 एम्प्लॉयज़ हो गए थे, बिलियंस की वैल्यूएशन थी इस कंपनी की, और एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन था। जब ये 30 साल के होने वाले थे, मैकिंटोश सिर्फ लॉन्च हुआ था, बहुत ग्रैंड दिन था एप्पल के लिए, बस उसके कुछ आगे पीछे ही इनको उस कंपनी से निकाल दिया गया। अब ये बड़े झटके वाली बात है कि भाई जिस इंसान ने कंपनी फाउंड करी, जो उसका फाउंडर है, उसको कैसे निकाल सकते हैं। पर ऐसा हुआ क्योंकि टाइम के साथ जब नए उसमें एम्प्लॉयज़ आए, नए सीईओ आए और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए, तो कुछ डिफरेंस ओपिनियंस थे, इनके काम करने का तरीका था जो कि बाकियों को नहीं ठीक लगा, और फिर फाइनली सब ने मिल के डिसाइड किया कि स्टीव बाप एप्पल के लिए फिट नहीं है। तो ये US में वर्ल्ड ओवर एक्चुअली बहुत ही एम्बैरेसिंग स्टोरी थी उनके लिए, बहुत पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुआ था उनका इस चीज़ को लेके, और अपने जीवन की सब बहुत कठिन परिस्थितियों से वो निकले इस दौर में। इन्होंने जाके माफ़ी भी मांगी कि मुझे वापस रख लीजिए, और बहुत पब्लिकली ह्यूमिलिएटिंग था इनके लिए ये पूरा एक्सपीरियंस। कभी इन्होंने सोचा कि सब छोड़ के चला जाऊँ, पर फिर उनके मन में ख्याल आया
इन्होंने कहा मैं वो करता था जो मुझे खुशी देता था, जैसे मैं प्यार करता हूँ वो काम मैं करता था। आई यूज टू डू द वर्क दैट आई लव। और कहते हैं कि जब एप्पल से मैं निकाला भी गया तो वो एक मेरा रिजेक्शन ज़रूर हुआ, लेकिन दैट डिड नॉट डेटर मी। उसके बावजूद भी आई लव्ड डूइंग व्हाट आई डू। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये काम करने में मज़ा आता है, मैं ऐसे करता रहूँगा। और जब वो रियलाइजेशन आ गया तो उन्हें समझ में आया कि जो लव इन लाइफ का जो कनेक्शन है, कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत प्यार करते हैं, कोई आपका पैशन है जीवन में, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे पोइट्री हो गई या आपको कुकिंग का कुछ है, एनी थिंग दैट यू रियली रियली लव अबाउट योर वर्क दैट यू वॉन्ट टू डू, आपका कोई बचपन की ऐसी चीज़, नृत्य हो सकता है, लेखन हो सकता है, पाक कला हो सकती है, पढ़ाना हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत इंटरेस्ट करती है, आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप पैशनेट हो उस चीज़ को छोड़ो मत। उसको आप ज़रा 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 थोड़ा थोड़ा करके भी करते जाओगे ना, तो वो चीज़ आपकी जीवन को एक अच्छा रूपरेखा देता है। बाय द एंड ऑफ इट ऑल आप रियलाइज़ करोगे कि आपका जो लाइफ है वो उसी पैशन को परस्यू करने का रिजल्ट बना है, उसी ने आपको एक स्ट्रेंथ दी है। तो ये थी दूसरी कहानी, ऑल्सो वेरी रेलिवेंट। ये कालजयी बातें हैं जो कि हमारे और हमारे बच्चों के जीवन में बहुत बहुत इम्पैक्ट ला सकती हैं। तो रिक्वेस्ट है कि YouTube पे जाके ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्टे हंग्री स्टे फुलिश का, स्टीव जॉब्स का जो एड्रेस था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तीसरी कहानी है वो डेथ के बारे में है, बहुत इंटरेस्टिंग। स्टीव जॉब्स को डॉक्टर्स ने असेस किया और बोला कि आपको पैनक्रियाटिक कैंसर है और आप कुछ 3 से 6 महीने आपके पास हैं, तो एक काम करिए आप घर जाइए और अपने सारे काम जो है इस 3 से 6 महीने में समेट लीजिए। मन बहुत परेशान हुआ कि कैसे मैं जिंदगी के जो अगले 10 साल चीज़ें अपने बच्चों को सिखाना चाहता था, बताना चाहता था, कैसे वो सब मैं बस 3 से 6 महीने में उन्हें सिखा दूँ, कैसे मैं इस 3 से 6 महीने में इतनी मेहनत कर लूँ कि मेरा जो परिवार है वो आने वाले कल में सुरक्षित रहे, और कैसे मैं ये फाइनेंशियली इमोशनली ये इस्टेब्लिश कर लूँ कि मेरा परिवार जो है वो सुरक्षित रहेगा, और कैसे मैं सबको गुड बाय बोलूँ, कैसे मैं सबसे आखिरी बार मिलूँ। एक पूरा दिन इसी ख्याल में इसी सोच में डूबे रहे। अगले दिन जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स ने टेस्ट किया, बायोप्सी हुई और पता पड़ा कि बहुत रेयर फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। कहते हैं जो डॉक्टर है उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे जब उसने ये चीज़ रियलाइज करी, एंड इज वेरी हैप्पी कि स्टीव जॉब्स जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। तो वो सर्जरी हुई और वो ठीक हुए। वो कहते हैं लेकिन उस एक्सपीरियंस ने मुझ पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी। उसने मुझे ये बताया कि डेथ एक ऐसी चीज़ है जो कि इनएविटेबल है, जो कि आपको होनी ही होनी है, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, सबको आती है। जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते, लेकिन ये ऐसी चीज़ है, जीवन का सबसे बड़ा जो सच है वो है मृत्यु। तो कहते हैं कि मैं अपना जीवन ऐसे जीऊँ कि वो जब जो दिन मैं सुबह उठूँ मैं ये सोच के चलूँ कि ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है, तो मैं इसमें जो करूँ बेस्ट करूँ, और जो चीज़ें मुझे लगे अगले 3 या 4 या 5 दिन करते करते मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे जीवन में वैल्यू नहीं ऐड कर रही है, मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता था कि नहीं इसको मुझे नहीं परस्यू करना है। तो ही वॉज फिल्टरिंग आउट ऑल द नॉइस, ही वॉज फिल्टरिंग आउट ऑल द नॉइस एंड लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ हिज हार्ट। और वो यही बात कहते हैं स्टोरी में कि एक लाइफ है तो उसको ऐसे जियो जैसे आप उसे जीना चाहते हो, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मूल चीज़ें हैं उनके बारे में सोचो। ये मत सोचो दुनिया आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये मत सोचो कि आपका सोशल परसेप्शन क्या है, ये मत सोचो कि आप में क्या यू नो फ्लॉज है या लोग आपको क्या बोल रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसके पीछे हम अपना जैसे हम सजते हैं, संवरते हैं, बोलते हैं, बोलचाल हर चीज़ हम बदल देते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई क्या कहता है, कोई पति पत्नी के बारे में क्या सोचता है कि वो उसको क्या पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, पत्नी पति के बारे में क्या सोचती है, इस सब से या कोई बाहर वाला परिवार भी, आपको एक ही जीवन मिला है, आप उसे अपने हिसाब से ढालिए,
अपने पैशंस को परस्यू करिए, अपने लिए समय निकालिए और अपने मन की आवाज़ सुनिए। अपने मन की आवाज़ सुनने से ज़्यादा कठिन होता है जो सुन रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करना, अपने अंदर एक वो स्ट्रेंथ लाना कि मैं ये परस्यू करूँगी, इसे ख़त्म करूँगी। तो स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अपने अंदर एक वो जो लगन है वो लाइए, वो दृढ़ता लाइए कि जो आपके मन में बात है, चाहे थोड़ा थोड़ा कर कर ही, लेकिन आप उसे फॉलो कर पाए। तो ये थी वो तीन कहानियाँ, कनेक्ट द डॉट्स। यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। तो इसे हमेशा याद रखिए। दूसरी कहानी जो थी वो थी अबाउट लव एंड लाइफ, कि जो आप जीवन में करते हो वो ऐसी चीज़ें करो जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जो आपका पैशन है उसे परस्यू करो और उसे कभी मत छोड़ो। और तीसरी चीज़ जो थी, थर्ड स्टोरी वॉज अबाउट डेथ, कि आप जब यू नो डेथ इज़ इनएविटेबल, आनी ही आनी है, तो हर दिन ऐसे जियो, अपने आप के लिए जियो और खुद को खुद से बेहतर करते हुए जियो। इस पूरी कहानी के एंड में वो एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, मैं वर्ल्ड कैटलॉग मैं नाम भूल रही हूँ। तो एसेंशियली एक पेपर जैसा था, पब्लिकेशन था, जिसे आप समझ लीजिए कि अगर आप गूगल को कागज़ पे उतार दें तो ये वो पब्लिकेशन था। तो 60s का बहुत ही फेमस एक पब्लिकेशन था ये अमेरिका में, और लोग पगलाए रहते थे इसके पीछे। और उस समय कंप्यूटर्स नहीं थे, तो तब वो लिटरली टाइपराइटर्स पे और कैमराज, पोलरॉइड कैमरा यूज़ करके इन सब चीज़ों से उसको पब्लिश किया जाता था। 35 साल बीते, गूगल आया और ओल्ड मेक्स वे फॉर न्यू, राइट। मृत्यु का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब मृत्यु ऐसा सत्य है जो बताता है कि भाई आप पुरानी चीज़ें जो है वो जाएंगी और उसी से नए के लिए जगह बनेगी। तो यही हुआ। और जब उसका लास्ट एडिशन आया ना, तो उस पर उन्होंने, उनका एक फेयरवेल मैसेज था, उसका जो कवर था उस पर एक किसी गांव की सड़क की सुबह सुबह की फ़ोटो थी, और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो अगर अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं सही मायने में, तो अपने आप को ज्ञानी मत समझिए। सीखने की जो ललक है उसे मन में हमेशा जीवित रखिए। स्टे फुलिश एंड स्टे हंग्री, स्टे हंग्री टू लर्न समथिंग मोर, स्टे हंग्री टू बी अ बेटर पर्सन, स्टे हंग्री टू शो सोशल कंपैशन टू पीपल अराउंड यू। तो इस बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश और इन तीन प्यारी प्यारी कहानियों के साथ आपको छोड़ती हूँ। इनके बारे में सोचिए, YouTube पे जाके स्पीच ज़रूर देखिएगा स्टीव जॉब्स की। और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, कुछ और मोटिवेशन लेके आऊँगी आपके लिए, कुछ और प्यारी प्यारी बातें जो हमें अंदर से हिम्मत दे। और अपने सुझाव भेजिए रेडियो मेरी आवाज़ को, बताइए कि आपकी जो आवाज़ है वो क्या है, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। और हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।